हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। इन यहाँ पर एक मैच हो रहा है मेजर लीग सॉकर का, कोलोराडो रैपिड्स वर्सेस एफसी दलास के बीच, जो कि खेला जाएगा 7:11 पे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की जीत को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, देखो भाई, कोलोराडो रैपिड्स और एफसी दलास, पहले तो ये मेजर लीग सॉकर है, इसमें रैंकिंग का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मेजर लीग सॉकर के अंदर सबसे ज़्यादा मैचेस CON लीग के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर ना मैक्सिकन लीग के साथ भिड़ती है ये टीम मेजर लीग सॉकर की, तो इसलिए मैं रैंकिंग को कुछ नहीं समझता इस मैच में। बाकी लीग्स के अंदर रैंकिंग की बहुत अहमियत है, लेकिन खास तौर मेजर लीग सॉकर में रैंकिंग को कोई पूछता नहीं भाई, कभी भी कोई भी जीत जाता है। इसलिए अपने दिमाग से यहाँ टीम बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के। वैसे टीम तो बनती दिमाग से, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको स्ट्राइकिंग की और लेके चलता हूँ। देन स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आर नवेरो का लास्ट मैच का सबसे बेटर था, वो 7 अप्रैल को नहीं हुआ था, 7 अप्रैल के बाद हुआ था। इस बंदे ने उस मैच में 2 गोल 1 असिस्ट की थी, ऑलमोस्ट अगर वो मैच यहाँ पे ऐड हुआ होता तो आज इस बंदे के अकेले के पॉइंट आई थिंक 100 से ऊपर होते, जो कि नवेरो के लिए एक अच्छी बात है। एंड आगे से अगर मैं बात करूं और इनके प्लेयर्स की, तो मेरे को इनकी ना बाकी प्लेयर कुछ खास नहीं लगते। अब लोग कैबरल करते हैं, यार कैबरल में ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने? केविन कैबरल को ढंग से मैंने एक मैच में चलते देखा नहीं। उसके बाद जे फरेरा, जो एफसी दलास का सबसे बेटर प्लेयर था, उसको ये लोग खिलाते नहीं। बी कैम्यूंगो चलता नहीं, बचता है मूसा, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। एंड हाँ, ई एनसा भी अच्छा है, सॉरी मैं भूल गया था, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये ग्रैंड लीग वालों के लिए, जो कि जिन लोगों ने खेलना है। मिनी जीएल वाले मत लेना, ओनली जीएल वाले ही लेंगे, क्योंकि रिस्क हो जाएगा नहीं तो। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, देन सी बैसट एंड मिहालोविक, दोनों सबसे ज़्यादा चलने वाले प्लेयर। कोलोराडो रैपिड्स कितने तो मैचेस इन दोनों के बेस पे जीती है, जबकि मिहालोविक के पॉइंट देख के आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, जो मैच ऐड नहीं होते, उनसे पता चलता है साफ कि मिहालोविक का बहुत मेन रोल है। उसके बाद इनका एक, मेरे को ना हैरिस भी बढ़िया लगता है, लेकिन मैं हैरिस पे आज रिस्क लूँगा नहीं, फ़ायदा नहीं लग रहा मेरे को। एक्चुअली मेरा क्या कि मैं ऑपोजिशन टीम का एक प्लेयर लेगलेट के बाद ना मैं बहुत सर्च कर, तो मेरे को डी सीली भी नहीं अच्छा लगा, मेरे को एरियोला भी नहीं खास लगा, पूरी टीम में गिने चुने प्लेयर हो, तो मैंने ना लास्ट डिसाइड ये किया कि आज मैं 5 डिफेंडर लूँगा इस मैच में, ये मेरा लास्ट डिसीजन था। तो इसमें क्या था कि 5 डिफेंडिंग के अंदर अब हमें पहले क्या करना है, पहले तो आप देखो, रोजनबेरी, बॉम्बिटो एंड वाइंस, ये तीनों प्लेयर CR टीम के हैं और आपने लेने हैं, और चौथा प्लेयर जिसका नाम है मैक्सो, इसको भी लेना है। ये 4 प्लेयर आपके हो गए। उसके बाद ये और फोर्थ प्लेयर जो है, वो आपने ना जुंका को लेना, ना आपने लेना है एन बर्गस को, आपने लेना है एस इबीगा को, क्योंकि आई नो दिस प्लेयर, मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, क्योंकि फेरफन इंजर्ड है, नहीं तो मैं फेरफन के साथ जाता, लेकिन मैं उसकी इसको लूँगा भाई। एंड बात करें अगर हम गोल कीपिंग की, देन एम पाइस को लेंगे, सबने स्टीफन लिया तो यहाँ पर एक और रिस्क हो गया। बढ़िया है भाई, जितनी रिस्की टीम हो उतना जीतने का चांस ज़्यादा रहता है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बैसट, वाइस कैप्टन देखिए नवेरो रखूँगा। मिहालोविक के साथ मन तो कर रहा है, लेकिन नवेरो के जब से मैंने 2-3 मैचेस देखे हैं, तो मैं अपने मन को मना रहा हूँ। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।